हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि SC ST OBC समाज के अगर कोई भगवान हैं, कोई रहबर हैं, तो वह हैं बाबा साहब अंबेडकर। वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने SC ST OBC समाज और भारत की समस्त महिलाओं को जीवन जीने का आधार दिया था, भारत का संविधान दिया था। तो दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती आ रही है। सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हर साल हम मनाते हैं, लेकिन कैसे मनाते हैं यह चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम गलत तरीके से तो बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हम लोग किस तरीके से मनाएं कि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी हो और उनका मिशन भी आगे बढ़े, उनका विचार भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर कोई वस्तु नहीं है, कोई पत्थर की मूर्त नहीं है कि सिर्फ उनको पूजने से काम चल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर एक विचार हैं, उनको फैलाना पड़ेगा। और फैलाने की जिम्मेदारी बाबा साहब के अनुयायियों की है, यानी हमारी है और आपकी है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने SC ST OBC या पूरे बहुजन समाज के उद्धार के लिए भारत का संविधान लिखा है। और सबसे विडम्बना तो ये है कि आज भी भारत के लोगों के पास, मूल निवासियों के पास, 1% लोगों के पास भी संविधान नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, इस 14 अप्रैल हमको और आपको यह शपथ ले लेना है कि हमको भारत का संविधान अपने घरों में ला कर रख देना है। तो दोस्तों, भारत का संविधान मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, उससे जा कर के आप भारत का संविधान मंगा लीजिए। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम 3 तरीकों से मना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है परिवार के लोगों के साथ, और दूसरा तरीका है गांव और क्षेत्र में सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, जो बाबा साहब अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली जाती है या बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें शामिल होकर के हम मना सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उनके पर्यटक स्थल पर जा करके वहाँ पर हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मना सकते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि जब हम घर और परिवार में बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो वह कैसे मनानी चाहिए, यही चीज मुख्य है समझने की। दोस्तों, हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती अगर घर में नहीं मनाएंगे तो समझिए कि वो संस्कार पैदा नहीं हो पाएगा, वो कल्चर पैदा नहीं हो पाएगा जो हम पैदा करना चाहते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का मिशन हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह कल्चर हमारे घर से ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रखना है, बाबा साहब अंबेडकर की एक तस्वीर रखनी है, और साथ ही हमें तथागत बुद्ध की तस्वीर रखनी है। तथागत बुद्ध की तस्वीर हमको इसलिए रखनी है क्योंकि बाबा साहब जैसा विद्वान व्यक्ति, बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति, इतना शिक्षा लेने के बाद भी अगर तथागत बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हमें भी तथागत बुद्ध की शरण में जाना चाहिए और उनकी तस्वीर को अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, तथागत बुद्ध की तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर और भारत का संविधान, यह 3 अनिवार्य चीज है। उसके बाद बाकी जो शेष महापुरुष हैं उनकी भी तस्वीरें आप रख सकते हैं, यह आपकी सुरक्षा पर डिपेंड करता है, आपकी व्यवस्था पर डिपेंड करता है। साथ ही हमें 6 मोमबत्ती मंगा लेनी है और फूल माला मंगा लेना है। साथ ही अगर घर पे व्यवस्था हो तो बौद्ध रीति रिवाज के हिसाब से हम खीर दान करते हैं। हम उस दिन खीर बना करके अपने परिवार के लोगों को प्रसाद के रूप में, या जो भी उसको मान लीजिए, आस्था मान लीजिए, हम पूरे परिवार को खीर का सेवन करा सकते हैं। दोस्तों, सभी महापुरुषों की तस्वीर रखने के बाद जो कैंडल होगी, उन कैंडलों में से 5 कैंडल को हमको सामने रख लेना है और 6वीं मोमबत्ती से सभी कैंडलों को, यानी 5 कैंडलों को जला लेना है। जलाने के बाद अगर आपको तथागत बुद्ध का वंदना याद है, पंचशील और तीक्ष्णन याद है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं याद है तो मोबाइल में सर्च करके हम पंचशील और तीक्ष्णन को पढ़ सकते हैं। पढ़ करके हम तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को नमन वंदन अभिनंदन कर सकते हैं। साथ ही भारतीय संविधान के बारे में अपने परिवार के लोगों को जब हम बताएंगे तो हमारा परिवार उससे जागरूक होगा। और दूसरा तरीका है गांव की शोभा यात्रा और
जो हमारा कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के। दोस्तों जब सामूहिक कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में खर्च आता है और खर्च के लिए हमको और आपको सहयोग करना होता है। और दोस्तों जो भी आपसे सहयोग हो सकता हो गांव के या सामाजिक कार्यक्रम जहां भी हो रहा हो वहां पे एक छोटा सा सहयोग करके आप कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे सकते हैं और वहां पर जा करके अच्छे अच्छे वक्ताओं का विचार सुन सकते हैं। तीसरा है बहुजन पर्यटन स्थल घूमना। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में जगह जगह पे तमाम प्रकार के तमाम बहुजन इतिहास बहुजन विरासत है, वहाँ घूम करके अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को सबको ले जा करके वो पर्यटक स्थल दिखा करके ऐतिहासिक रूप से सामाजिक रूप से आप जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती को मनाते समय यह हमेशा याद रखना है कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिस संविधान की वजह से आज हम और आप आज़ाद हैं। दोस्तों जब आप अपने बच्चों को बताएं तो बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई कुछ बातें जरूर बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में वापसी कर ली थी। साथ ही यह भी बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही 25 दिसंबर 1902 धर्म की घटिया पुस्तक मनुस्मृति को फूंक करके भारत के मूल निवासियों को धार्मिक रूप से उसी दिन आजाद करा दिया था। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम होती है और उन्होंने अपने कलम के दम पर ही भारत का सुंदर संविधान लिख दिया। तो दोस्तों यह बातें अपने बच्चों को बताने का कष्ट करें। साथ ही दोस्तों अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का और इतिहास जानते हैं किस तरीके से उनके साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, जाति पाति के साथ उनको अपमानित किया गया, तो दोस्तों यह सब कहानी आप अपने बच्चों को जब सुनाएंगे तब बच्चे आगे चल करके संघर्षशील होंगे, ताकतवर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जुर्म के खिलाफ अकेले खड़े हो जाने का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुबह जब आप जागते हैं तो 2 घंटियां बजती हैं, एक घंटी बजती है विद्यालय में और दूसरी घंटी बजती है मंदिर में। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आप भिखारी बनकर पैदा होंगे, लेकिन अगर आप विद्यालय में जाएंगे तो आप अधिकारी बनकर निकलेंगे। तो दोस्तों यह आपको तय करना है कि आपको मंदिर की घंटी बजानी है कि विद्यालय की घंटी बजानी है, दोनों आपका भाग्य तय करती हैं। तो दोस्तों यह बात जब अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने परिवार को लोगों को समझाएंगे, तो हमारा बौद्ध संस्कार अम्बेडकरवादी परिवार बहुत ही वैचारिक रूप से मजबूत होगा, बहुत ही सामाजिक रूप से मजबूत होगा और हम उन मनुवादियों का सामना कर पाएंगे जो हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देखने